बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी से आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें टॉपिक है हमारे पास रियो स्टेट। रियो स्टेट क्या है? एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, यूज होता है इन लेबोरेटरी में, और इसको रियो स्टेट, ये वायर बाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये किस पे कंसिस्ट है? ऑफ ए बार मैग्नेट वायर वोंड ओवर एन इंसुलेटिंग सिलेंडर पर वोंड किया हुआ है। अब मैंगनीन जो है ये किस चीज की बनी हुई है? हमारे पास 40% कॉपर है, 4% निकल है, 12% मैंगनीज है। अब इसको क्या है, इसको इंसुलेट किया हुआ है, एक हमारे पास इंसुलेटिंग सिलेंडर है उसपे। अब इसके तीन पॉइंट है हमारे पास, ए बी और सी, ठीक है, तीन पॉइंट है ए बी और सी। ए और बी जो हमारे पास है टर्मिनल फिक्स है, ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो सी जो है वो स्लाइडिंग कंडक्ट। स्लाइडिंग कंडक्ट का मतलब वो जो उसको हम मूव करा सकते हैं इसके ऊपर मूव करा सकते हैं। अब रियो स्टेट को हम दो तरीकों में यूज करते हैं, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर और एज ए वेरिएबल रेजिस्टर। पहले हम देखते हैं कि हम इसको एज ए वेरिएबल रेजिस्टर किस तरह यूज करते हैं। हमने जो सर्कल लेना है, सर्कल को कौन से पॉइंट्स में लेना है, ए और सी। हमने जब सर्कल लगाना है, जो भी हमने सर्कल लगाया वो किसके दरमियान लगाएंगे, ए और सी के दरमियान। ये क्या कहां पर है, जब हम इसको कैसे यूज करते हैं, एज ए वेरिएबल रजिस्टर के बाद तौर पर। अब जो इसको हम यूज करेंगे, अब जब ये यूज उसको मूव कराएंगे, अगर तो हम इसकी तरफ ए की तरफ मूव कराएंगे, जैसे ही हम ए की तरफ मूव कराएंगे तो ये जो लेंथ है ये क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब लेंथ डिक्रीज होगी तो हमें पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल। लेंथ डिक्रीज होगी इट मीन उसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर हम इसको इधर मूव कराते हैं तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब लेंथ इंक्रीज होगी इट मीन उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो हमारे पास करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो करंट हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको कैसे यूज करते हैं, एज ए वेरिएबल रेजिस्टर में यूज करते हैं। अब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करते हैं टुवर्ड ए। जब हम उसकी तरफ मूव कराएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। अब उसका करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर हम इसको सी को क्या करते हैं, मूव कराते हैं अवे फ्रॉम ए, अवे से मूव, सी को मूव कराएंगे अवे फ्रॉम ए, इस तरफ मूव कराएंगे टूवर्ड बी मूव कराएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उसकी लेंथ इंक्रीज होते जाएगी। जो ही लेंथ इंक्रीज होगी इट मीन उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी इट मीन उसका करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको हम किस तरह यूज करते हैं, एज ए वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज करते हैं। दूसरा इसका ये है कि हम उसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। अब पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हमारे पास ये डायग्राम है 13.14, ठीक है। हमने एक बैटरी ली है, ठीक है, बैटरी को कनेक्ट किया है टर्मिनल ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान कनेक्ट किया। अब इसकी वोल्टेज जो है हमारे पास इसमें जो वोल्टेज अप्लाई की है अक्रॉस द ए एंड बी बैटरी के साथ, वो हमारे पास क्या है, वी है। अब इसमें हमारे पास V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर। ये A और B के दरमियान हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके दरमियान जो वोल्टेज V है वो हमने कहां से दिए, बैटरी के जरिए दी है। जब हमने इसको बैटरी के जरिए दिए तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर आ गया। अब I की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इज इक्वल टू V ओवर R। हमने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन से पॉइंट के दरमियान, बी और सी। सी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, जो कि मूविंग कॉन्टेक्ट है, मूव करता है। हम इसको मूव कराएंगे
तो बी और सी के दरम्यान जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास आर होगी, और ये वोल्टेज हमारे पास क्या हो गई वी बी सी, ये वाली हमारे पास वोल्टेज क्या थी वी टी, ये वाली हमारे पास वोल्टेज क्या हो गई वी बी सी। अब ये किस पे डिपेंड करेगी, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ वी बी सी विद द करंट इन टू रेजिस्टेंस, करंट हमारे पास आई था, रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाली स्मॉल आर है। अब करंट की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली है आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, वो यहां पुट कर दें इज इक्वल इन टू स्मॉल आर, आर ओवर आर वी। अब जो हमारे पास वी बी सी है जो हमने हमें कहां मिलेगा इनपुट पे मिले सॉरी आउटपुट पे मिलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे इस आर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आर पे किस तरह डिपेंड करेगा, अगर तो हम ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है इसको मूव कराते हैं टुवर्ड ए, हम जब इसको ए की तरफ मूव कराएंगे तो ये रेजिस्टेंस बी और सी के दरमियान जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो हमारे पास वी बी सी भी क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। वी बी सी क्या हमारे पास वोल्टेज है अक्रॉस बी और सी के दरमियान। ठीक है, अब अगर हम इसको मूव कराते हैं जो पॉइंट सी है बी की तरफ, अब हम इसको इधर मूव कराएंगे तो हमारे पास जो ये पोर्शन होगा ये जो रेजिस्टेंस आर होगी ये डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास वी बी सी इज आर ओवर आर वी, आर जब डिक्रीज होगा इट मीन हमारे पास वी बी सी इज आल्सो डिक्रीज। अब रियल स्टेट को हमने देखा है कि हम किस तरह यूज करते हैं इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, और ये जो वी बी सी वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होगी इसको आउटपुट वोल्टेज कहेंगे, ये जब हम ए की तरफ मूव करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगी, अब अगर हम बी की तरफ मूव करेंगे आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमारे पास क्या होगी डिक्रीज होगी। अगला टॉपिक है हमारे पास थर्मिस्टर, थर्मिस्टर इज वे ये थर्मिस्टर जो है हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। ठीक है, थर्मिस्टर हमारे पास क्या है हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, और ये किससे ये मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर्स को बहुत सारे थर्मिस्टर्स जो है जिनका टेम्परेचर कोफिशियंट जो होगा नेगेटिव होगा, टेम्परेचर कोफिशियंट जो होगा नेगेटिव होगा, इट मीन उसका मतलब ये है जब हम उसकी रेजिस्टेंस जो होगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी डिक्रीज होगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। दूसरे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब यह है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अब इसमें हमने तीन दो चीजें बताई हैं, जो हमारे पास थर्मिस्टर है वो कौन से हैं हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, ये दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होते हैं, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी रेजिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज होगी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। थर्मिस्टर्स जो हैं ये मेड ऑफ हीटिंग सेमीकंडक्टर सिरेमिक अंडर प्रेशर हाई प्रेशर इनको देते हैं हाई प्रेशर, किस कौन से मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज और निकल कोबाल्ट एंड आयरन, के ये मिक्सचर है मेटालिक ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज निकल और कोबाल्ट का, दे आर फॉर्म इन द डिजायर शेप डिफरेंट शेप में मिलते हैं हमें, ये हमें कौन सी रोड की शेप में मिलते हैं और ये हमें वॉशर की फॉर्म में भी मिलते हैं, ये हमें बीड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं, इनके डिफरेंट शेप है। अब ये जो हमारे पास थर्मिस्टर्स है वेर विद हाई नेगेटिव कोफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट, जो ज्यादातर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट और फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लो टेम्परेचर के लिए, और ये इसकी एप्लीकेशन क्या है ये यूज होते हैं टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी यूज होते हैं, और ये कैसे यूज होते हैं दे कन्वर्ट द चेंज ऑफ टेम्परेचर इनटू द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में भी इसको कन्वर्ट करते हैं।
थैंक यू।